इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस की हालत पूरे देश में, खासतौर से यूपी से जहां से हम लोग हैं, वहां बहुत खस्ता है। और सूरत हाल कुछ ऐसा है जैसे आईसीयू में कोई पेशेंट वेंटिलेटर पर होता है, वहां तक कांग्रेस पहुंच गई है। आप चूंकि एक प्रोफेशनल डॉक्टर हैं तो आप बताइए कि क्या ट्रीटमेंट हो सकता है कांग्रेस का। देखिए, मैंने बताया आपको कि भाई इसका सबसे पहला तरीका है कि मैं नहीं कहता कि अपना प्रेसिडेंट बदलिए, मैं नहीं कहता। प्रेसिडेंट बदलने से कुछ नहीं होगा। आप जैसा कहा, अगर वेंटिलेटर है तो जब मरीज वेंटिलेटर पर चला जाता है तो हम वो सारी चीजें करते हैं बचाने के लिए जो हम कर सकते हैं। यानी हमें लगता है कि 1% ये कर दें तो भी कर देते हैं, कहीं होता है प्लस माइनस तो भी कर देते हैं, उसको बचाना होता है। मैंने इसलिए कहा अगर कांग्रेस वेंटिलेटर पर है तो ऐसा कि उनका मंथन करना चाहिए, जैसा कि अब राजस्थान में होने वाला है, अशोक गहलोत साहब ने इन्वाइट किया सबको, तो ऐसा मंथन करें। और जो चीजें हैं, यानी जितने बड़े बड़े उनके दिग्गज नेता हैं, मेरा उनको सिर्फ सलाम मशवरा है, उनको बुलाएं, उनको बैठें और बैठ कर सबकी बात सुनें, और सुनने के बाद बहुमत से मंथन करें कि हमें आज कांग्रेस को बचाने के लिए, जो हमारी कभी राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी वो आज बिल्कुल डाउन चली जा रही है, तो कहीं ना कहीं पार्टी नेतृत्व है, इसलिए इनके गुड गवर्नेंस के लिए इनको एक बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाना पड़ेगा। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाएं, इन लीडर्स को शामिल करें और उन सबको सलाह करके कोई डिसीजन करें। तो कई महीने ऐसा करेंगे, तब जाने के बाद इसके अंदर ये कांग्रेस वेंटिलेटर से बाहर आएगी। यानी वो सारी दवाइयां ढोकते हैं जिससे कि वेंटिलेटर से बाहर निकाल सकते हैं। वो दवाइयां क्या है? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स।